आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, सो द टुडेस क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन फंक्शन एज बोथ हार्मोन एंड विजुअल पिगमेंट। कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि दोनों के तरीके फंक्शन कर लेते हैं, हॉर्मोन्स की जैसे भी और विजुअल पिगमेंट की जैसे भी, मतलब देखने में भी वो हेल्प करता है और हॉर्मोन के जैसे भी। ए थैमाइन, बी रेटिनल, सी राइबोफ्लेविन या डी फॉलिक एसिड। सो यहाँ पे हम ऐसे विटामिन की बात कर रहे हैं जो दोनों में हेल्प कर रहा है। सो हम जानेंगे यहाँ पे किसकी प्रॉपर्टी के बारे में, रेटिनल की प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ पे जानेंगे। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है, अगर बायोलॉजिकल टर्म बोला जाए तो पॉलीन क्रोमोफोर। इट इज अ बाउंड टू प्रोटीन कॉल्ड ऑप्सिस। ये एक ऑप्सिस नाम की प्रोटीन से बना होता है। ये जो है एक केमिकल बेसिस होता है जो कि विजुअल फोटो ट्रांसडक्शन में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है ये यहाँ पे, इट हेल्प्स और कह सकते हैं इट फंक्शन एज, ये हेल्प है ओके, ये पी है आपका, और बोल सकते हैं ये फंक्शन कैसे करता है, ये फंक्शन करता है एज अ विजुअल फोटो ट्रांसडक्शन ओके। एंड साथ ही साथ ये किसकी तरह से बिहेव करता है, ये उसके साथ ही साथ बिहेव करता है एज अ हार्मोन। जो हार्मोन का फंक्शन होता है वही इसका फंक्शन होता है, ठीक है। वहीं पे हम बात करें अपने बाकी ऑप्शन की, जैसे कि थायमाइन। तो थायमाइन क्या होता है, थायमाइन जो होता है वो एक तरीके का विटामिन प्रोवाइड करता है, विटामिन B1 से मिलता है। विटामिन B1 इज फाउंड इन द मैनी फूड, जैसे कि आपका मिल्क हो गया, नट्स हो गया, बीन्स हो गया, ठीक है। और वहीं पे अब हमने रेटिनल के बारे में तो जान ही दिया, अब हमारा सी ऑप्शन क्या है, राइबोफ्लेविन। तो ये क्या होता है, राइबोफ्लेविन जो होता है वो हमें विटामिन B2 से मिलता है, ठीक है, विटामिन B2 से मिलता है, ये हमें मिलता है विटामिन B1 से ओके। एंड ये जो राइबोफ्लेविन होता है इज वन ऑफ द 8 इन द विटामिन्स एंड ऑल द विटामिन्स हेल्प इन द बॉडी ऑफ द कन्वर्टेड फूड। फूड को और फ्यूज को एज अ ग्लूकोज को कन्वर्ट करने के लिए काम करते हैं, ठीक है। अब हमारा लास्ट ऑप्शन क्या है, फॉलिक एसिड। तो फॉलिक एसिड कहाँ पे यूज होता है, फॉलिक एसिड जैसा कि इसका नाम ही है, ये एक एसिड है एंड दिस इज बेसिकली यूज टू प्रिवेंटिंग एंड ट्रीटिंग लो ब्लड लेवल ऑफ द फॉलेट। यहाँ पे ये लो ब्लड लेवल जो हो जाता है तो ये उससे डील करने के लिए काम होता है, ठीक है। सो हमारा यहाँ पे आंसर हार्मोन और विजुअल आर्ट से पिगमेंट, यहाँ पे हमारा आंसर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।